लखनऊ को लखनऊ वाली मार मारी है, एकदम लखनऊ वाली बिरयानी हमने कोलकाता वाली बिरयानी लखनऊ को टेस्ट कराई है। ऑफ कोर्स केकेआर के सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा है, फिल सॉल्ट ने जो खेला आज तो कमाल ही कर दिया। केकेआर को तो मैं इस बार आगे देख रहा हूँ, यानी कि फिनाले में यानी फाइनल खेलते हुए देखना चाहूंगा केकेआर को। बहुत इंटरेस्टिंग था मैच, उधर शाहरुख खान से अच्छा लगा मिलकर। गौतम गंभीर आया तो वापस हो सकता है चैंपियंस बनने का मौका मिले हम लोग को। मैच बिल्कुल खराब लगा क्योंकि इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, कैसे सोचे थे हम सोचे कि 200-250 के ऊपर स्कोर होगा, ऐसा जीता दिया फिल सॉल्ट ने। और देखिए हम लोग रसल का ये टी शर्ट लगा के आए तो रसल तो मैदान में दिखाई नहीं, बैठ ही नहीं करने के लिए उतरा है, सब फिल सॉल्ट ने एकदम पूरा सॉल्टी खराब कर दिया उन लोगों का। तो रिंकू भी नहीं आया, अरे रिंकू भी नहीं आया ना, इधर फिल सॉल्ट था एलएसी का टाटा सॉल्ट बना दिया है ना। तो हम लोग जीतेंगे इस बार, केकेआर चैंपियन होगा एकदम। बहुत ही अच्छा मैच था, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत एक्साइटिंग था। अरे एकदम केकेआर वाज रॉकिंग टुडे, हम लोगों को तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा मैच था, बहुत मजा आया श्रेयस अय्यर का और फिल सॉल्ट का बैटिंग देख के, बहुत एंटरटेनिंग मैच था और केकेआर की विक्ट्री बहुत ही अच्छी थी। बहुत बढ़िया लगा, शॉट ने तो सबका बहुत बढ़िया खेला है और बस रसल को देखने का ये इच्छा था, लेकिन रिंकू सिंह को देख नहीं पाए हम लोग, ये थोड़ा बस यही थोड़ा सा कमी खेला, लेकिन इस बार रहा कि टॉप फोर में चल जाएगा क्योंकि इस बार का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया है और मेंटर हम लोग के गौतम गंभीर बन गए तो उसका बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है हम लोगों के केकेआर को। बहुत बड़ी बात होम ग्राउंड में और एक बेनिफिट भी मिलता है केकेआर का, होम ग्राउंड ईडन गार्डन और वी लव केकेआर और केकेआर कोर बोल और वो जीत वो। मैच बहुत अच्छा रहा लेकिन हम लोग और सोचे थे कि रिंकू सिंह रसल का बैटिंग देखने को मिले लेकिन वो मिल नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छा मैच रहा, सॉल्ट अच्छा खेले, श्रेयस अय्यर भी बहुत अच्छा खेले यार, इस बार फाइनल पहुंच रही है और जीतेगी भी। वीर क्या है अभी एज ए गार्जियन काम कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा उनका। बहुत मस्त, एक नंबर मैच, एक नंबर, बहुत अच्छा ज्यादा लग रहा है। हम लोग बांग्लादेश से आ रहा था, मैच बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग, केकेआर का फैंस हो, हम लोग बिहार का मधेपुरा जिला से आए हैं, बिहार से जी मैच देखने के लिए। भाई साहब बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि पहली बार मैच देखे हैं, ईडन गार्डन भी पहली बार आए हैं तो इसलिए बहुत दिल खुश हो रहा है देख करके, और हमारा फेवरेट टीम कोलकाता जीत गया, इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है। उम्मीद तो भाई साहब मन में उम्मीद पहले से था, शुरू से ही मैच इस तरह हुआ कि मैच जीतने का शुरू से ही मैच इस तरह चला कि और आगे भी केकेआर मैच जीतेगा, हर मैच जीतेगा और फाइनल भी जीतेगा केकेआर एकदम जरूर 100%, उसमें कोई शक नहीं है। मैच बहुत ही अच्छा रहा और केकेआर की जीत हुई, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। खास बात फिल सॉल्ट बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, केकेआर की बॉलिंग बहुत अच्छी रही एंड एवरीथिंग वाज गुड, बहुत अच्छा मैच रहा आज, बहुत खास है क्योंकि केकेआर अभी अभी आगे भी पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएगी और सपोर्ट करते रहेंगे। केकेआर इज द चैंपियन और चैंपियन बनेगी, 100% बनेगी, जिस हिसाब से फॉर्म में है रसल, फॉर्म में है एंड एवरीबॉडी इज इन फॉर्म, तो केकेआर चैंपियन जरूर बनेगी। राजस्थान रॉयल्स बहुत बढ़िया टीम है, मुंबई इज ऑल्सो गुड टीम, सो बट केकेआर ही जीतेगी, केकेआर ही जीतेगी 100% केकेआर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, बहुत जोरदार आवाज आ रही है केकेआर का, बहुत ज्यादा मार रहा है, अच्छा ही खेल रहा है। It was very good. Obviously, it was KKR, so I was supporting that only. हाँ बिल्कुल, it's 19 बस बचा था। KKR, ये बार मैच जीत लोगे? KKR, अब और मैच जीत लेंगे? KKR, all OS जीत लेंगे? हाँ मैच देख के हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैच में शाहरुख खान थे और शाहरुख खान का हम लोगों को सिग्नेचर मूव भी देखने को मिला, और फिर आज का कमाल का बैटिंग और नारायण का बॉलिंग, और स्टार्ट में तो आज दिल्ली जीत लिया, मान के चलिए 3 विकेट मिला है, बहुत शानदार था, बहुत शानदार, बहुत ही मज़ा आया देख करके, बोले तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोग इस मैच में। केकेआर का संभावना अगर आप मेरे पूछे तो 200% होता है,
क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग खेल रहे हैं, सारे के सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं, छोटे से लेके बड़े प्लेयर तक आप देखेंगे तो सभी प्लेयर फॉर्म्स में हैं। जितना भी प्लेयर है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया, फील्डिंग से लेकर बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक सभी चीज़ों में हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। लखनऊ सुपर जायंट जो आपने देखा वो कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, और उनको इस तरीके से हराना, मतलब आप समझ ही सकते हैं क्या लेवल का गेम हो रहा है। और फाइनल अगर हम लोग बोले तो चेन्नई सुपर किंग या फिर मुंबई इंडियंस के साथ हो, और कोलकाता के अगेंस्ट में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस हो, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला हम लोग को विराट कोहली के मैच में। एक तरफा मैच हुआ है पूरा केकेआर ने, जब शुरू से ही बॉलिंग भी अच्छी हुई, बैटिंग भी अच्छी हुई। आज केकेआर ने धो डाला लखनऊ को, लखनऊ को लखनऊ वाली मार मारी है, एकदम लखनऊ वाली बिरयानी हमने कोलकाता वाली बिरयानी लखनऊ को टेस्ट कराई है। और आज मिचेल स्टार्क ने बहुत ही अच्छा बॉल किया है, 24 करोड़ में उसको खरीदा, आज उसने प्रूफ कर दिया कि हमारा रॉन्ग डिसीजन नहीं था। और फिलिप सॉल्ट का बहुत ही शानदार बैटिंग था, बहुत ही मज़ा आया आज ग्राउंड में आके, बहुत मज़ा किया हम लोग, बहुत इन्जॉयमेंट आया। उम्मीद है केकेआर इस बार चैंपियन होगा आईपीएल का। ईडन में जीती है बहुत खास है, क्योंकि ये हमारा होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड में हम खेलने के लिए देखने के लिए आते हैं, तो हमारा उम्मीद होता है कि हमारे ग्राउंड में हमारा टीम जीते, तो अलग ही उत्साहत होता है, अलग ही मज़ा आता है। ये चीज़ अपना घर में जब अपना टीम जीतता है तो बहुत मज़ा आता है। बहुत सॉलिड था, सॉल्ट जो खेला है ना, मस्त खेला है। किस तरह से सॉल्ट अग्रेसिव खेला है, बहुत अच्छा खेला है। केकेआर का प्लस पॉइंट एंड्रू रसल है, सॉल्ट है, नारायण है। तो इस बार चैंपियन कौन होगा? वही होगा केकेआर, कोरबोलोड़ो जीत बोरे। अच्छा रहा केकेआर, बहुत अच्छा खेला केकेआर। इस तरह से मतलब अभी फील्डिंग तो बहुत अच्छा ही किया है सब पे, बॉलिंग भी अच्छा, मिचेल स्टार्क तो पूरा सुपर बॉलिंग किया है मिचेल स्टार्क। और बैटिंग तो अभी रसल का तो बैटिंग नहीं आया है, उसका आगे ही फिनिश हो गया। शेयस अय्यर अभी बैट कर रहा है, शेयस अय्यर है और सॉल्ट है, दोनों ही खेल रहा है, मैच पूरा एक तरफा हो गया। केकेआर चैंपियन होगा लग रहा है। फील्डिंग बोले, बॉलिंग बोले, बैटिंग बोले, सबसे अच्छा कोच गौतम गंभीर आ गया है केकेआर, बस यही। अच्छा मैच हुआ था कोलकाता वर्सेस लखनऊ के बीच, और जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। कोलकाता ने काफी अच्छा खेला, काफी अच्छी फील्डिंग की, काफी अच्छी बॉलिंग की, और उसी नतीजे की वजह से लखनऊ ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई, और लखनऊ टोटल 161 बना पाई, और कोलकाता ने उसको आसानी के साथ चेस कर लिया। फिलिप साल्ट और कोलकाता के कैप्टन श्रियास अय्यर ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, और दोनों ने जल्दी साझेदारी अच्छी करके और बाकी रह गए थे तभी उन्होंने अपनी टीम को जिता दिया है। केकेआर को तो मैं इस बार आगे देख रहा हूँ, यानी कि फिनाले में, यानी फाइनल खेलते हुए देखना चाहूँगा केकेआर को। काफ़ी अच्छा केकेआर कर रही है, केकेआर बहुत ही अच्छी टीम ही, और बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं उसमें, और उसके कोच जो हैं गौतम गंभीर वो भी काफ़ी अनुभवी हैं, और वो काफ़ी अच्छा खेल रही, इसी तरह खेलती रही तो वो आगे तक जाएगी। और उम्मीद है कि केकेआर फाइनल तक जाएगी और फाइनल खेल के अपने ऑनर को एक खुशखबरी देगी और फाइनल जीत के। बहुत बढ़िया मैच था, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया एक्सपीरियंस है। ऑफकोर्स केकेआर के सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा है, फिल सॉल्ट ने जो खेला आज तो कमाल ही कर दिया। हाँ शाहरुख को देखा, बहुत दूर से देखा, लेकिन देखा तो वही आशा करती हूँ कि हो जाए। बहुत अच्छा खेल रहा है वो, ऐसे ही खेलते रहे फिर जरूर होगा। केकेआर बहुत ही बढ़िया मैच था, केकेआर वापस जीत गया, ऑल अप केकेआर टू एलएससी 0 खेल अच्छा रहे, अगर आगे जाके अच्छा किया तो चैंपियंस भी है, ट्रॉफी है वापस केकेआर में। गौतम गंभीर आया तो वापस हो सकता है चैंपियंस बनने का मौका मिले हम लोग को। बहुत खास है कलकत्ता के पिच पे, कलकत्ता जितना ही खास है केकेआर का बॉलिंग अच्छा किया, बैटिंग में फील्ड शॉट बहुत बढ़िया किया, चैंपियन बनने का 80% चांस है, चैंपियन बनने का जरूर। केकेआर आर्मी, केकेआर का बहुत मस्त बॉलिंग है, उसका बैटिंग भी मस्त है, केकेआर का बैटिंग भी मस्त, बॉलिंग भी। अभी रिंकू रसल, अभी रसल सिंह, रसल आना बाकी है, भी तोड़ देता। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा कि जब बॉलिंग भी अच्छा हुआ उसके साथ बैटिंग भी अच्छा हुआ, दोनों देखने में बहुत ही मजा आ गया। बैटिंग फील्ड शॉट ने उसने 82 रन किया, वो ये अकेला मैच जिता दिया। इस बार 100% चांस है, वो उसको कोई ये ही नहीं है, 100% कप लेगा।
बहुत अच्छा टीम है, अच्छा खेलता है। जैसे कि जो पूरी ओवर खेल कर उस लोगों ने उतना रन बनाया, इन लोगों तो 15 बार 3-4 बॉल में खत्म होता है मैच। बहुत ही अच्छा था, लाजवाब। सबसे बड़ा ये है जो बहुत ही जिस तरफ देखते हैं के के आर वही बोलता है सब, कोई दूसरा कोई ये नहीं है। मजा आई है, पूरा बाल बालू मैच था, बहुत मजा आया हमको देख के। सबसे मजा मालूम जो जैसा खेला है आज जैसा फील शॉट खेला है वो आज वो अनबिलीवेबल खेला है। बहुत अच्छा शॉट, कलकत्ता डी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है इस बार, और बॉलिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है। स्टार्क सुनील नारायण सब अपना फॉर्म में है, और ऐसे ही चलते रहेगा तो लोग चैंपियन। गौतम गंभीर का कितने बड़ी बात है, गौतम गंभीर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है केकेआर में। इसी का वजह से आज कलकत्ता यहां पर मोबाइल जरूर कर दो, तो पिछले साल जैसा कलकत्ता का हालत था। अच्छा हुआ बॉलिंग से बैटिंग से आज साल्ट दारुण खेला, बॉल का खेलना बहुत अच्छा तरीका अच्छा है। बाट श्रेयस अय्यर का अधिनायक अच्छा लगा, जो आज केकेआर जीतेगा इसलिए जे आज पूरा टीम एक साथ बहुत अच्छा प्लानिंग था। प्लेयर मतलब 4-4 बहुत अच्छा था, मतलब बैटिंग बहुत अच्छा था केकेआर का, बहुत अच्छा लगा देखने में हम लोग का। आप केकेआर का अच्छा लगा देखने में, हाँ जीतेगा हम लोग को उम्मीद था। बहुत ज्यादा मजा आया केकेआर को इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मैच, इंटरेस्टिंग था शाहरुख खान से, बहुत इंटरेस्टिंग था मैच, तो शाहरुख खान से अच्छा लगा मिलकर, और बहुत इंटरेस्टिंग भी था।